नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। सच आगे तो डर भागे। आज हम आपको लेकर चलते हैं सुल्तानगंज भागलपुर, जिसे सुल्तानगंज को लोग अजगैबी धामनाथ से भी जानते हैं। आज हम सुल्तानगंज से ये अब नाव का सफर कर रहे हैं और दूर दूर कोहरा छाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस कोहरे के बीच में थोड़ा सा जो नाव पर सवार हुए हैं वहाँ पे तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन गंगा में जिस तरह से आप देखेंगे तो बिल्कुल कोहरा ही दिखाई देता है। और इस नाव पर अब सवार हो चुके हैं, देखिए बगल से गंगा बह रही है और ये गंगा की धार आपको दिखाई दे रहा है और हम लोग अभी बीच गंगा नदी में पार कर रहे हैं। यहाँ से पार करके उस पार अगवानी जाएंगे और उधर से फिर जहाज़ से वापस आएंगे, तो आपको वहाँ ये भी दिखाएंगे कि गंगा नदी में किस तरह से पुल बनाया जा रहा है और उस पुल में कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। आप ये देख पा रहे हैं वो जो बीचों बीच दिख रहा है वो गंगा नदी का पुल के पिलर है और इसी पिलर को जोड़ के पुल बनाया जा रहा है। तो हम लोग अभी बिल्कुल बीच गंगा नदी में हैं और देखिए किस तरह से ये सवारी लोग हैं और ये देखिए गंगा का धार किस तरह तेज़ी से बह रही है और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये लगभग उस पार का दृश्य दिख रहा है जहाँ पे कि छारन है सुल्तानगंज घाट, मतलब बीच गंगा में ही छारन बना हुआ है और धीरे धीरे हम अब करीब आ रहे हैं छारन के। जैसे ही छारन के करीब आएंगे और ये आप जो दृश्य देख रहे हैं ये बीच गंगा नदी का है जिसमें हम लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं। सिर्फ ये सफ़र गंगा में इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पता चले कि पुल बनने के बाद ये मज़ा नाव से पार करने का मिले या ना मिले। हम लोग इसीलिए इसका वीडियो बना रहे हैं ताकि लोग देख सकें कि सुल्तानगंज घाट में भी गंगा नदी बह रही है। अब हम लोग बीच छारन पर पहुंच चुके हैं, अब देखिए किस तरह से लोग नाव से बाहर निकल रहे हैं। ये नाव वही नाव है जिस पर सवार होकर हम लोग इस पार हुए हैं और देखिए नाव उतना भरा हुआ नहीं है, फिर भी कम से कम 100-200 आदमी तो है ही। और ये लोग उतर के अब ये बीच छारन पे ही ये देखिए टेम्पू दिख रहा होगा, टेम्पू लगा हुआ है और इस टेम्पू के से लोग उस पार होके फिर वहाँ से बस पकड़ते हैं। तो हम लोग देखिए अब गंगा नदी के पास है, अब देखिए ये पीछे से एक जहाज़ आ रही है और इस जहाज को लोग जिस तरह से किनारे पे लगेंगे और किनारे पे लगने के बाद फिर हम लोग इसी जहाज पर सवार होके उस पार सुल्तानगंज घाट की तरफ चलेंगे और उसके बाद आपको दिखाते जाएंगे कि सुल्तानगंज घाट में जो नया बन रहा है सीढ़ी जो बिल्कुल हरिद्वार से मिलता जुलता है, मतलब थोड़ा सा अलग है लेकिन थीम वही सोच के बनाया गया है कि सुल्तानगंज घाट को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए। तो देखिए ये जहाज़ लग चुकी है और इस जहाज़ से सवारी लोग उतर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बीच छारन पे ये भीड़ दिखाई दे रहा है और दूर में ये देखिए ऑटो लगा हुआ है जिसमें सवार होकर लोग अगवानी पार करते हैं और ये बीच छारन में ये ब्रिज दिखाई दे रहा है जो बनना शुरू है। अब इस जहाज को खाली होते ही हम लोग इस जहाज में सफर करेंगे। देखिए इसमें तो बिल्कुल भरा हुआ जहाज है। अब देखिए हम लोग जहाज के अंदर आ चुके हैं, ये जहाज के अंदर का दृश्य। अंदर से अब हम आपको दिखाएंगे कि अंदर से किस तरह से सुल्तानगंज घाट दिखता है। देखिए ये सुल्तानगंज घाट दिख रहा है और हम लोग बीच गंगा में हैं और वहाँ से धीरे धीरे उनके करीब पहुँच रहे हैं।
जैसे जैसे करीब आएंगे दृश्य और सुंदर दिखाई देगा। अभी हम लोग बीच गंगा में हैं और ये गंगा से तस्वीर दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो नया बन के तैयार हो रहा है, ये सुल्तानगंज का नया घाट है, बिल्कुल गजब दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसे देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये घाट जब अभी इस जहाज के ऊपर से तस्वीर लिया जा रहा है तो इस तस्वीर में इस तरह दिखाई दे रहा है, तो आगे कितना सुंदर और बनेगा, तो आप इसे देखने के लिए ज़रूर जाएं। धन्यवाद।